मध्य प्रदेश में दोनों तरफ से चालें चली जा रही है। सियासत के इस खेल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। विधायकों के इस्तीफे से लेकर विधायकों के छुपाने तक का ड्रामा जारी रहा। इन सब के बावजूद आज फ्लोर टेस्ट की उम्मीद थी, लेकिन फ्लोर टेस्ट आज नहीं हो पाया और इस तरह से कुछ दिनों तक ही सही, लेकिन कमलनाथ की सरकार अभी बची हुई है। तो आपको ये पूरी कहानी सही से समझाते हैं। मध्य प्रदेश में शह और बात का खेल जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही हैं। आज राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार और विधानसभा स्पीकर को आज फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट का जिक्र ही नहीं था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार पहले से ही इस मूड में थे कि 16 फरवरी को फ्लोर टेस्ट ना हो, जिससे उन्हें बागी विधायकों को मनाने के लिए कुछ वक्त मिल सके। ऐसे में स्पीकर ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया। स्पीकर के सदन को स्थगित कराने के तुरंत बाद भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। भाजपा की मांग है कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को जल्द फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 26 मार्च से पहले भी फ्लोर टेस्ट हो सकता है। इस मामले में अब मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, भाजपा ने एक और चाल चली। भाजपा ने सदन के स्थगित होने के तुरंत बाद राजभवन का दरवाजा खटखटाया। शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राज्यपाल लालजी टंडन के सामने परेड की। भाजपा ने 106 विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी। एक विधायक की मां का निधन हुआ है, इसलिए वह मौजूद नहीं थे। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा और क्या क्या हो सकता है। इस मामले में स्पीकर और राज्यपाल की क्या भूमिका है और क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो बता दें कि इस पूरे मामले में स्पीकर की भूमिका अहम है। स्पीकर या तो विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर ले या फिर उन्हें अयोग्य करार दे दे। अगर स्पीकर अयोग्य करार देते हैं तो ये सीटें खाली मानी जाएगी और ऐसे में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ जाएगी, जिसके बाद विधानसभा सीटों की स्थिति से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सरकार बनाने का मौका मिलेगा। अब सवाल ये कि इसमें राज्यपाल की भूमिका क्या है? तो बता दें कि विधानसभा का गठन होने के बाद सदन की कार्यवाही में स्पीकर की भूमिका अहम होती है, लेकिन राज्यपाल एक निश्चित समय तक फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कह सकते हैं। तीसरा सवाल ये कि क्या यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था? तो बता दें कि अगर स्पीकर और राज्य सरकार जानबूझकर फ्लोर टेस्ट कराने में देरी करते हैं तो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता बताते हुए राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में 3 बड़े दलों को न्योता देने के बाद जब सरकार नहीं बनी थी तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो फिलहाल कमलनाथ सरकार के पास अभी वक्त है कि वो अपने बागी विधायकों को मनाने में कामयाब रहे तो अपनी सरकार को बचा सकते हैं। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।